सकते हो, ब्लू आपको यहाँ पर मिलेगा। सो इट्स अ वेरी यूनिक कलर। तो इसमें आप देख सकते हो अंदर में स्टिकरिंग किया हुआ है। ऑडियो में ये फोकल का है, चार कंपोनेंट। अच्छा अच्छा, थोड़ा रेव मारो भाई। अच्छा, और एक बार। प्रीटी नाइस। Back to my channel. My name is Gerard and you're watching Gerard Gom. So today we have a very special car for you all. So aaj bhi ek ownership review hone wala hai and this is none other than the 2013 Hyundai i20. So ye pehle aata tha but this is a very highly modified car and this is one of the hottest normal naturally aspirated i20s of Kolkata. So this car belongs to Rajeshji over here. So thank you Chandrachur for putting him into the scene. So kaise ho Rajeshji? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई। अच्छा, एकदम बढ़िया। तो हाँ, अच्छा ठीक है। सो भाई मुझे पहले एक चीज बताओ, तुमने मतलब जब तुमने ये गाड़ी खरीदा, व्हाई डिड यू चूज दी i20? चूज दी i20 कारण जैज भी था उस टाइम, जैज का लुक्स अच्छा नहीं लगा। अच्छा, तो इसका लुक्स अच्छा लगा, काफी अच्छा था। अच्छा, तो तुमने ये क्या फर्स्ट हैंड या सेकंड हैंड खरीदा था? सेकंड हैंड लिया। कितना किलोमीटर चला था भाई उस टाइम? 17,000। 17,000, अभी कितना चला है? अभी 34,000 चल गया। 34,000। अनदर थिंग गाइस, दिस इज अ स्टेज 2 रिमैप्ड कार। सो इसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्ट किया हुआ है फ्रॉम ऑटोमेक। सो उसका भी साउंड मैं आपको सुना दूंगा। सभी राजोशी प्लीज थोड़ा सामने से मुझे बताओ तुमने क्या क्या मॉडिफाई किया है इस गाड़ी में। फर्स्टली ये कलर है। अच्छा, ये तो कलर ही है, मालूम है गाड़ी का तो कलर होता ही है। अच्छा, कलर में तुमने ये पहले क्या कलर में आता था? पहले ये ब्रॉन्ज कलर में आता था। ब्रॉन्ज कलर में। सो ये तुमने ये क्या कलर है भाई, ये ब्लैक है या क्या है? ब्लैक है विद टच ऑफ ब्लू। अच्छा, टच ऑफ ब्लू। सो गाइज, आई डोंट नो आपको वीडियो में पता चल रहा है कि नहीं, बट अगर आप मतलब ये लाइट देखे अभी दिखा रहा है। सो ये थोड़ा आपको ये मतलब ब्लू आपको डिजाइन, ये आप देख सकते हो ब्लू आपको यहाँ पर मिलेगा। सो इट्स अ वेरी यूनिक कलर, थोड़ा ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन है इस गाड़ी में। सो इसका हेडलाइट सेटअप आप एक बार देख लीजिए, इट इज अ वेरी यूनिक सेटअप डन ऑन दी हेडलाइट्स। और ये क्या मतलब तुमने क्या खोल के बनाया है इसको? खोल के, पूरा खोल के। सो इसमें क्या सेटअप हुआ है वो थोड़ा बताओ। ये प्रोजेक्टर है, एलईडी है और इसमें भी एलईडी है और ये अच्छा स्टिकर और बाकी का पेंट। अच्छा, तो स्टिकर इज वेरी स्पेशल ऑन दिस कार। सो इसमें आप देख सकते हो अंदर में स्टिकरिंग किया हुआ है। सो ये स्टिकरिंग मतलब क्या है, व्हाट इज देयर इसमें, क्या है स्टिकरिंग? मतलब हम जब छोटे थे तो ये सब शो चलता था टीवी में। क्या शो है? फ्रेंड्स तो है मुझे दिख रहा है, और क्या है? लेगो से खेलते थे, फिर स्कूबी डू है और बाकी जॉनी है, वो जॉनी ब्रावो। हाँ, अच्छा, नॉट जॉनी सिंस, नॉट जॉनी सिंस, ओके। और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर भी एलईडी इंस्टॉल किया हुआ है। कौन सा कंपनी का एलईडी है भाई? सब बहुत दिनों पहले हुआ था। अच्छा, बहुत दिनों पहले। सो डीआरएल ये तो कंपनी से ही आता था? कंपनी से नहीं, ये डीआरएल कंपनी से लोअर मॉडल। सो ये डीआरएल तुमने क्या बाहर से इंस्टॉल किया? बाहर से इंस्टॉल। अच्छा, सो प्रीटी नाइस गाइस, इसका हेडलाइट सेटअप लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सो अभी साइड में चलते हैं। सो राजोशी प्लीज। सो दीज आर द व्हील्स दैट हैज बीन इंस्टॉल्ड। सो ये व्हील तो पहले मतलब ये अलॉय तो पहले ये नहीं आता था, 14 इंची था। अच्छा, सो अभी कितना इंच है? अभी 15 इंच। और ये कौन सा कंपनी का अलॉय है भाई? एडवांटी। सो ये यूएस ब्रांड है ना? ये यूएस ब्रांड। अच्छा, यूएस ब्रांड। सो अंदर का जो कैलिपर है, दिस इज ऑल्सो पेंटेड ब्लू, सूट्स रियली वेल विद द कार। और ये टायर किसका है? योकोहामा एस ड्राइव। और सेक्शन 195/50/50। अच्छा, सो इसमें अच्छा लेंजो, हाँ यू इंस्टॉल लेंजो बाद में। सो इसमें माइलेज ड्रॉप हुआ है क्या? नहीं नहीं, माइलेज उतना कुछ ड्रॉप नहीं हुआ। अच्छा, सो साइड में एज यू कैन सी ऑल जेट ब्लैक फिल्म। और इसका एक जो चीज इस गाड़ी मतलब राजेशी के गाड़ी में स्पेशल, इसका जो रियर ग्लास है दैट इज ब्लैकर देन द फ्रंट ग्लास। क्या करते हो भाई रियर सीट पे? कुछ नहीं करते भाई। अच्छा ठीक है, जो भी है। सो पीछे में भी आप देख सकते हो अंदर का जो ड्रम है दैट इज पेंटेड ब्लू, सो लुक्स रियली रियली नाइस। एंड पीछे इट्स वेरी सिंपल, ही हैज डीबैज द होल कार, सिर्फ हुंडई का लोगो है यहाँ पर। और यहाँ पर लोकली हेटेड, बट आई गेस नो वन हेट्स योर कार, एवरीवन लव्स इट। एंड दिस इज हिज इंस्टाग्राम आई डी गाइज, सो इफ यू वॉन्ट टू फॉलो देन GTR बॉयज इज हिज इंस्टाग्राम आई डी। ओनली गे गाइज, ओके। सो यहाँ पर RC ट्यून्स, बिकॉज दिस इज ट्यून बाई सुपर चिप्स, मतलब RC ट्यून्स। एंड ये तुमने क्यों किया भाई? ये तो थोड़ा मतलब ग्रेट ब्रिटेन का थोड़ा लग रहा है, वो स्विफ्ट का थोड़ा देख के इंस्पायर हो गया था, इसलिए कर लिया। अच्छा ठीक है, बट ये भी मतलब फिनिशिंग बहुत अच्छा हुआ है इसका, सो रियली रियली गुड। और नंबर प्लेट में तुमको केस नहीं आता है? एक ही बार आया। एक ही बार आया, अच्छा ठीक है। और पीछे तुम्हारा कुछ सेटअप है? पीछे तो अच्छा, सो यहाँ पर आप देख सकते हो बेस ट्यूब है। ये कौन सा कंपनी का है भाई? मेगाट्रॉन। चलता है तो? हाँ, चलता तो जरूर है। चलता है। सो साउंड रिस्पॉन्सिव मैं आपको सुना दूंगा। ओवरऑल बूट स्पेस एज यू कैन सी i20 है, सो बूट स्पेस में देर इज ऑलवेज स्पेस इन द बूट, सो नो प्रॉब्लम। एंड यू गेट अ बूट लैम्प ओवर हियर ऑल्सो। ये क्या कंपनी से आता था या फिर तुमने इंस्टॉल किया?
अलग से, ये एलईडी अंदर से नहीं, एलईडी नहीं मतलब रूफ, ये जो बूट लैंप का जो प्लेस है कंपनी से। अच्छा ठीक है, प्रीटी नाइस। सो अभी चलते हैं अंदर। अंदर जाने से पहले इसने इंस्टॉल किया है स्पॉइलर विच इज फ्रॉम मोटोक्रॉस। मोटोक्रॉस ओके। और एक जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाइस, इसका जो हुड है मतलब ये जो है दिस इज पीपीएफ। सो ये पूरा पीपीएफ है। सो तुमने भाई इधर आओ प्लीज, लड़ाई मत करो भाई। सो इधर आओ राजेश जी, तुमने हुड क्यों पीपीएफ किया एंड नॉट द एंटायर कार? इसलिए क्योंकि एक दिन मैं मोटो पे गया था। अच्छा, सत्यम भैया ने पीपीएफ खोला और दिखाने अच्छा कि हाँ कर दो फिर। अच्छा ठीक है, सही है। सो अभी थोड़ा बॉनेट उठाओ भाई, इसका फुल सिस्टम एग्जॉस्ट अभी हम लोग एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सो इसका पूरा हेडर से चेंज हुआ है गाइस। सो हेडर इज एट द बैक, सो एज यू कैन सी नॉर्मली मतलब i20 का हेडर पीछे होता है एंड दिस इज माइल्ड स्टील आई गेस MS है। अच्छा इसका खर्चा कितना हुआ था तुमको? 19-20। अच्छा 19-20। और एक जो चीज यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज ये कोरियन फ्लैग तो नहीं लग रहा है भाई? ये थोड़ा डिजाइन है, ये थोड़ा डिजाइन चंद्रचूड़, ये क्या लग रहा है भाई? चंद्रचूड़ के गाड़ी में ये सब नहीं है, ये लग रहा है। ओ ओ ओ हीरो हीरो, ये तो बोलो। अच्छा ये तो है तुम्हारे गाड़ी किसका है, मेरा है कि तेरा है? अच्छा ये कौन सा HPI का है? अच्छा तो अभी थोड़ा गाड़ी स्टार्ट करो भाई, थोड़ा इसका साउंड रिस्पॉन्स सुन लेते हैं, गाड़ी का एग्जॉस्ट का रिस्पॉन्स तो थोड़ा सुना देते हैं आपको। सो प्लीज डू दी ऑनर्स राजेश जी। हाँ वो चंद्रचूड़ करेगा प्लीज। ओके सो यहाँ पर एग्जॉस्ट में ये क्या फुल इसका मफलर भी ऑटोमेक से ही है क्या? हाँ, अच्छा थोड़ा रेव मारो भाई। अच्छा और एक बार, हाँ प्रीटी नाइस। अभी थोड़ा इसका जो इंटेक है उसका भी आवाज थोड़ा सुन लेते हैं। सो ये भी होता है, थोड़ा चंद्रचूड़ रेव मारो। हाँ और एक बार, as you can hear ये suck करता है। Yes what is this, ये क्यों लगा? क्या horn है क्या? नहीं ये siren है। ए भाई तुम्हारे गाड़ी में siren क्यों है भाई? तुम किसी group से belong करते हो क्या? तुम किसी group से हो क्या? तुम किसी group से belong करते हो? आरबी बोल के तुम किसी group में रहते हो क्या? सेंटर लॉक का है। अच्छा ठीक है भाई, अभी थोड़ा अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं। इसका सीट्स भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि पहले एक जन ने वीडियो बनाया था उसने सीट्स नहीं दिखाया। सो मैं दिखा देता हूँ एक बार। सो दीज आर द सीट्स, एकदम पूरा बकेट फिनिश है एज यू कैन सी एंड पूरा लेदर फिनिश है एज यू कैन सी। यहाँ पर ब्लू स्टिचिंग भी है। सो एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ गाइस कि यहाँ पर जो राजोशी ने किया, इसका जो ब्रेक कैलिपर है दैट इज ब्लू एंड स्टिचिंग भी ब्लू है। सो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल स्टिच ओवर हियर। भाई राजोशी इधर आओ भाई थोड़ा, तुम्हारे सीट में इतना अच्छा फिनिशिंग कैसे हुआ है? मतलब नॉर्मली तो नहीं होता है, कैसे हुआ है वो कैसे मालूम? अच्छा सीट कवर है इसलिए हो गया। अच्छा सीट कवर है, हाँ रियली गाइस मतलब एकदम वेरी वेरी गुड क्वालिटी एज यू कैन सी। और यहाँ पर ये स्पार्को का इसने ये लगाया है। सो थोड़ा अंदर से मतलब ही हैज केप्ट इट प्रीटी नॉर्मल। और इस गाड़ी में जो हुआ है इसमें सब दरवाजा में डैम्पिंग हुआ है। सो एज यू कैन सी वेट भी थोड़ा बढ़ गया है डोर्स में एंड थर्ड भी थोड़ा है डोर्स पे। सो रियली रियली रीअश्योरिंग। और जो इसने किया है वो इसका जो म्यूजिक सिस्टम है वो उसने अपग्रेड किया है। सो राजेश जी प्लीज थोड़ा अंदर चले जाओ, मुझे थोड़ा म्यूजिक रिस्पॉन्स सुना दो भाई। सो अभी अंदर थोड़ा बैठते हैं, इसका जो म्यूजिक रिस्पॉन्स है थोड़ा हम लोग अभी सुन लेते हैं। सो म्यूजिक रिस्पॉन्स सुनाने से पहले गाइस मैं एक बार राजेश जी से पूछ लेना चाहता हूँ कि भाई तुमने ऑडियो में क्या क्या अपग्रेड किया है? ऑडियो में ये फोकल का है, चार कॉम्पोनेंट। अच्छा और स्टॉक हेड यूनिट और मेगाट्रॉनिक का वो सब। अच्छा मतलब तुम्हारे चारों दरवाजा में कॉम्पोनेंट है। और पीछे का ट्विटर कहाँ प्लेस्ड हुआ है? पीछे का ट्विटर वो दरवाजे में ही प्लेस हुआ है। अच्छा दरवाजे में, अच्छा और यहाँ पर प्लेस हुआ है राइट? वो तो कंपनी का है। अच्छा अच्छा ठीक है। सो अभी थोड़ा म्यूजिक सुना दो भाई थोड़ा। सो ये था म्यूजिक रिस्पॉन्स गाइस। सो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको म्यूजिक सेटअप कैसे लगा। मेरा ओपिनियन दू देन आई मस्ट से दैट इसका जो बेस है डैम्पिंग के कारण बेस जो है वो थोड़ा मतलब ज्यादा खिल रहा है। और एक जो चीज है दरवाजा में कोई रैटलिंग नहीं हो रहा है, सो दैट इज अ प्लस पॉइंट
इफ यू आर डूइंग डैम्पिंग एंड आपका जो म्यूजिक है वो भी थोड़ा मतलब उसका जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा इनहांस हो जाता है। अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा एक छोटा सा ड्राइव पे ऑफ ड्राइविंग राजर्षी स्टेज टू ट्यून्ड i20। सो देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा है। सो वीडियो आप जरूर देखते रहिए। सो गाइज राइट नाउ आई एम ड्राइविंग राजर्षी i20। सो इसका जो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि इसका जो क्लच है ना इट इज वेरी लाइट एंड ये गाड़ी इतना चला हुआ है एंड राजर्षी मेंटेन्स इस कार वेरी वेल। सो इट्स रियली रियली गुड एंड इसका गियर रिस्पॉन्स भी आप देख सकते हो वेरी वेरी स्मूथ। सो अभी थोड़ा एक छोटा सा ड्राइव पे हम लोग चलते हैं। सो अभी नॉर्मली चलाएंगे ज़्यादा कुछ पुल नहीं करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड इज दैट इसका जो एयर फिल्टर है वो अभी कॉनिकल लगा हुआ है। सो उससे क्या होता है आपका जो लोअर एंड है ना दैट इज़ वेरी वेरी गुड। सो लोअर एंड में आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका जो रेव रेंज है द रेव लिमिटर मतलब जो रेव मतलब जो RPM मीटर है वो बहुत ही अच्छे से क्लाइम कर रहा है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट इंस्टॉलिंग अ कॉनिकल एयर फिल्टर। बट उससे क्या होता है थोड़ा गंदा भी हो सकता है आपका एयर फिल्टर। सो आपको सर्विसिंग ज़्यादा करना पड़ता है एंड आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा अच्छी तरह इसका जो रेव है वो क्लाइम कर रहा है एंड अभी थोड़ा मतलब जाएंगे मेन रोड पे थोड़ा हल्का सा पुल करके देखेंगे। सो ओवरऑल स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इन दिस कार इज रियली गुड। टायर्स हैज बीन वाइडेंड। सो इससे क्या होता है अभी थोड़ा पुल करते हैं गाइस। एज आई वाज सेइंग टायर इंक्रीज साइज इंक्रीज करने से हुआ क्या है इसका जो रिस्पॉन्स है स्टीयरिंग का दैट हैज बीन डन दैट हैज बीन इम्प्रूव्ड इन दिस कार। सो उससे क्या होता है आप देख सकते हो स्टीयरिंग में ज़्यादा प्ले नहीं है एंड ओवरऑल सस्पेंशन क्वालिटी इज ऑल्सो रियली गुड इन दिस i20। i20 हुंडई का एक चीज़ है दे ऑलवेज मेक वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड सस्पेंशन। इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा होता है एंड सॉफ्ट सस्पेंशन है मतलब जो बम्स है ये सब बहुत अच्छी तरह ले लेता है। As I was saying guys, suspension जो है it takes the bumps really well और थोड़ा सा आपने crackle आएगा सुना है आपने। सो इसमें थोड़ा natural crackles होता है इस गाड़ी में। सो अनदर गुड थिंग अबाउट दिस कार इज दैट इसमें आप रेव मैच बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो क्योंकि इसका जो एक्सेलरेटर है दैट इज़ वेरी लाइट। इसमें ज़्यादा हार्ड एक्सेलरेटर नहीं है सो यू कैन डू रेव मैचिंग रियली रियली वेल। सो इफ यू आर इन टू दैट देन दिस इज़ अ परफेक्ट कार फॉर यू। और हाँ ओवरऑल इट्स अ वेरी स्मूथ कार। एग्जॉस्ट के लिए ऑब्वियसली आपका अभी तो साउंड थोड़ा बढ़ गया है। चंदोचूर इसका एग्जॉस्ट कैसा लगता है तुमको? बहुत बढ़िया है, बहुत माइल्ड भी है। हाँ माइल्ड है, हाँ बेसी भी है, थम भी है। हाँ और क्रैकल्स तो मारता ही है नेचुरल। और चंदोचूर इज ऑल्सो मतलब उसका पहले जो स्विफ्ट था थोड़ा याद आ जाता है उसका गाड़ी के बारे में। सो रियली रियली गुड जॉब मतलब राजर्षी का। मैं चंदोचूर को भी बोलता हूँ कि राजर्षी का जो टेस्ट है ना मॉडिफिकेशन में बहुत ही अच्छा है। मतलब आई हैव नॉट सीन एनी i20 मतलब इस जनरेशन का i20 दैट हैज़ बीन मॉडिफाइड इन दिस वे। ये एकदम मतलब फैक्ट है, देर इज़ नो चेंजिंग दिस फैक्ट एंड इट्स अ वेरी स्मूथ कार टू ड्राइव। इवन द राइड क्वालिटी एंड ऑल इज़ रियली रियली गुड। हाँ थोड़ा मतलब पावर में ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ कार फॉर परफॉर्मेंस। ये थोड़ा मतलब आपका ईज ऑफ ड्राइविंग ये सब के लिए है ये गाड़ी। आप ज़्यादा मतलब खींचने में आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। हाँ ऑब्वियसली अभी थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है उसके लिए मतलब खींचने में अभी थोड़ा मज़ा है बट ओवरऑल मतलब ये गाड़ी खींचने के लिए नहीं है। दिस इज़ मोर ऑफ एन एस्थेटिकल मोड इन दिस कार। परफॉर्मेंस में भी हुआ है बट राजर्षी इज ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव। अभी ये तो माइल्ड स्टील का सेटअप है, अभी इज ट्राइंग टू पुट स्टेनलेस स्टील सेटअप भी इसका प्लान है करने के लिए। सो लेट्स सी मतलब वो कब करता है वो। सो ओवरऑल मतलब वेरी वेरी गुड कार, मुझे तो बहुत ही पसंद है, वन ऑफ माई फेवरेट कार्स इन कोलकाता। एंड मुझे आप ज़रूर बताइए कि आपको मतलब कैसा लगा ये वीडियो, राजर्षी का गाड़ी आपको कैसा लगा। एंड अगर आपके पास i20 है कि नहीं मतलब ये जनरेशन का i20 आपके पास है कि नहीं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक विच इज द थम्स अप एंड डू शेयर दिस वीडियो क्योंकि राजर्षी ने जो एफर्ट दिया है इस गाड़ी को मॉडिफाई करने में आई होप कि इट रीचेज मोर पीपल सो दैट दे नो राजर्षी ने कितना एफर्ट और दिमाग चला के ये गाड़ी उसने मॉडिफाई किया है। तो आप उसको मतलब ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड इट विल बी अ वेरी गुड थिंग इफ यू डू दैट। सो अभी थोड़ा फर्स्ट गियर में एक बार पुल कर लेते हैं। सो या वेरी नाइस पुल, वेरी स्मूथ पुल। सो या गाइस दैट इज द वीडियो फॉर टुडे। आई विल डेफिनेटली सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन नेक्स्ट कमिंग इज टेक्स्ट टू i20 एनलाइन। यस ओनली i20 एनलाइन इन इंडिया रादर जो IMT है स्टेज टू दैट इज चानास कार, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे आएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe for that if you want to watch that content. So yeah guys, that is me signing off for today. I will definitely see you in my next one.
टिल देन चाओ चंद्रचूड़ चाओ 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 गाइस चाय लाओ